अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाथी फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये फरमाइशी रेसिपी है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम किया था वेस्टर्न वेस्ट पॉइंट का ओटीजी का एक रिव्यू, जो वेस्टर्न वेस्ट पॉइंट का एक टोस्टर ओवन है, यानी ओवन टोस्टर ग्रिलर जिसे कहते हैं। तो उसमें एक्चुअली वो टोस्टिंग के लिए होता है, लेकिन लोग उसके अंदर बेकिंग भी कर सकते हैं, केक वगैरह भी बना सकते हैं, और जो है पिज़्ज़ा वगैरह भी बना सकते हैं, नान ब्रेड वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए आज स्पेशली एक डिज़ाइन किया पिज़्ज़ा, टाइम चीटर है रेसिपी है, यानी ऐसी रेसिपी है जिसमें हम टाइम भी बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ, पिज़्ज़ा डो जो मैंने बनाना सिखाई थी आपको, और जिसे पिटा ब्रेड भी कहते हैं, पिटा ब्रेड की डो मैंने आपको बनाना सिखाई थी। आप वहाँ जाकर मेरे रिव्यू सेक्शन में जॉली अजीम साथ लिख के सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और जो है पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी भी रेसिपी मैंने आपको बनाना सिखाई है और आपको दी भी हुई है, वो भी वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। और जब पीछे चीज़ें रहेगी वो बाज़ार से आपको मिल जाती है, बाज़ार से आपको पिज़्ज़ा बहुत महंगा मिलता है, तो आप घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके के साथ, बहुत अच्छा और कन्वीनियंट बनता है, बहुत कन्वीनियंट प्राइस में बन जाता है घर में, और सिंपल सा पिज़्ज़ा है। मैं आपको बहुत एक आसान पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहा हूँ, बेसिक पिज़्ज़ा कह सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टेस्ट बहुत मज़ा आएगा। जस्ट इसमें पिटा ब्रेड है और शिमला मिर्च है, थोड़ी सी प्याज है, और पिज़्ज़ा सॉस है, और चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है, डेट्स ऑल। और बाकी सारा काम जो है हमारा मोदी जी ने करना है, ओवन डॉक्टर ग्रिलर ने करना है। तो अगर जिनके पास ओवन नहीं है तो मैंने उनके लिए भी बता दिया कि वो तवे के ऊपर या कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं, 15-20 मिनट के अंदर उसमें भी बन जाता है। तेज़ से कर लें, तवे के ऊपर आप वैसे रख कर दोनों तरफ से पिटा ब्रेड को सेक कर ऊपर लेप कर लें, तो आपका पिज़्ज़ा बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल या कॉमेंट्स हुआ तो मुझे कॉमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख दें, या ई मेल कर दें, या कुछ भी कर दें, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन जी दोस्तों, टोस्टर ओवन को हम गर्म करने के लिए रखते हैं, प्री हीट इसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये ऑफ है, और ये ऊपर वाला इसका हीटर है, और ये नीचे वाला है, और ये दोनों हैं ऊपर नीचे वाला, नीचे वाला हीटर। तो यहाँ 15 मिनट तक का टाइमर है, तो हम पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं पिटा ब्रेड के साथ। पिटा ऑलरेडी थोड़ी सी कुक होती है, इट्स मीन के 5-10 मिनट्स के अंदर हमारा पिज़्ज़ा हो जाएगा। तो जस्ट हम इसे प्रीहीट के ऊपर लगा देते हैं। चलें दोस्तों इसे प्रीहीट करते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ऑन कर दिए, और हमने अच्छे तरीके से गर्म करना, देखिए ऊपर वाला भी हीटर ऑन हो गया और नीचे वाला भी हो गया। लेकिन जी दोस्तों, मैंने जो वेस्ट पॉइंट का जो टोस्टर ओवन ग्रिलर जो है, यानी ओटीजी है, इसकी जो ट्रे मैंने निकाली है, और इस तरह की मैंने एक जो है पिटा ब्रेड ले ली है, शवरमा ब्रेड। दोस्तों ये बहुत कन्वीनियंट है, हमें जो है डो नहीं गूंदना पड़ता, और ये टाइम चीटर जो रेसिपी है बहुत आसानी के साथ हम इसे बना लेंगे, बहुत मज़े का बनेगा, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और मैंने लिया एक पिटा ब्रेड, जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता रहा हूँ, और 1 चुटकी करीब हम स्प्रिंकल करेंगे इटालियन हर्ब्स, अगर ये नहीं है तो ऑर्गेनो, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें 1-2 चुटकी। पिज़्ज़ा सॉस में चाहिए 2-3 टेबलस्पून, जितना आपको फ्लेवर इसका पसंद है लाइक करते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 50 ग्राम मैंने मोज़रेला चीज़ की हुई है, कद्दूकश, ये देखिए अभी यहाँ पे गर्मी बहुत है, इस वक्त ये रूम टेम्परेचर पर भी मेल्ट होना शुरू हो गई है, तकरीबन 40 के करीब हमारे यहाँ टेम्परेचर है मेरे इधर किचन में भी। और दोस्तों ये है चेडर चीज़, इसे मैंने ये जो स्लाइस फॉर्म होते हैं इसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है, ज़रा ये मोटा मोटा काटें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये बहुत सिंपल सा पिज़्ज़ा है, तो आप डिज़ायर इसके ऊपर जो मैंने कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं डाली जो महंगी भी और मुश्किल भी हो बाज़ार से लाना, जैसे ऑलिव ऑयल, ब्लैक ऑलिव ऑयल काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैं वो शामिल नहीं कर रहा इसके अंदर। तो अगर आपने वो उसे टॉपिंग में डालना है तो डाल सकते हैं, कौन डाल सकते हैं। और दोस्तों मैंने हाफ शिमला मिर्च लेकर धो के से बारीक इस तरह काट लिया है, और एक छोटी प्याज लेके मैंने हाफ के करीब इस तरह क्यूब में काट लिया है, देखना
इस तरह के पीसेस भी मैंने काट लिए। दोस्तों इसी तरह आप काटिएगा, ये ज़रा अच्छे लगेंगे इसके ऊपर। दोस्तों ये तो थे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसे टॉपिंग करते हैं इसके ऊपर, हम इसे बेक करते हैं ओवन में। दोस्तों हमने पिज़्ज़ा सॉस जो लगानी है तकरीबन आधा इंच छोड़कर किनारों को फिर लगानी है। दरमियान में रखें इसे और इस तरह फैलाने से, देखिए मैं तकरीबन आधा इंच छोड़ रहा हूँ किनारे। इस तरह ये होगा जी, हमारी जो सॉस है ओवरफ्लो नहीं होगी बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके ये इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये इंस्टेंट जो है पिज़्ज़ा सॉस है। हाफ इंच जो हमने जगह छोड़ी है, इसका मतलब ये है जब ये बेक होता है चीज़ के साथ मेल्ट होकर नीचे गिरता है, इस वजह से हमने किनारे इसके हाफ इंच के करीब छोड़े हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम इसके अंदर जो है चीज़ डालेंगे, इस तरह फैला दो। ये चेडर चीज़ हैं, थोड़े से हम उचाते हैं, थोड़ा से ऊपर भी डालेंगे मोज़रेला। उसमें यहाँ पे थोड़ी जो है हीट बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने ही रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो गई है। हो गया दोस्तों, नेक्स्ट हम इसके ऊपर ये शिमला मिर्च रखेंगे। हिला कर डालूंगा दोस्तों, ये लाजमी डालिएगा, इससे ही जो पिज़्ज़े का एक मखसूस फ्लेवर आता है। ये बहुत अच्छा वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है चीज़ के साथ, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल है, हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है तकरीबन ये या मार्केट से भी इजीली मिल जाएगी। ये इसमें कोई फैंसी चीज़ें मैंने नहीं डाली, ना मशरूम डाले और ना ही मैंने ब्लैक ऑलिव डाले जो सबसे महंगे भी होते हैं। दोस्तों आप इसे चूल्हे के ऊपर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं ओटीजी में कर रहा हूँ यानी टोस्टर ओवन में कर रहा हूँ इसे। तो 10 मिनट के लिए आप तवे को गर्म करके दोनों तरफ से सेक के इसे अच्छे तरीके के साथ सारी टॉपिंग लगा कर तवे पर रख दें बिल्कुल लो हीट के ऊपर ढक्कन देके, तो उसके अंदर भी 10 मिनट के अंदर ये बेक हो जाता है। लाजमी नहीं है कि आपने टोस्टर ओवन में ही करना है इसे। चलो दोस्तों ये थोड़ी सी चीज़ जो बची हमारी इसके ऊपर डाल देंगे जगह जगह पर फर्द इस तरह करके। पीटा ब्रेड की बहुत ज़्यादा सहूलत होती है हमारे यहाँ कि अगर हमारा दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने को तो फटाफट हम बाज़ार से लेकर आए इसे और बना लें। और वैसे मैंने पीटा ब्रेड आपको घर में भी बनाना सिखाया है, तो आप घर में बना लें, बाज़ार से भी बनानी है ये भी घर में आप बनाएँ साफ़ सुथरे तरीके के साथ। चलो दोस्तों हो गया ये, अब हम इसे बेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप सिंपल कन्वेक्शन ओवन में करें तो 180 सेंटीग्रेड के ऊपर 5 to 10 मिनट्स में हो जाएगा। टोस्टर ओवन ग्रिलर में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है और तेज़ होता है, इसके अंदर 5 to 10 मिनट्स में हो जाएगा। और अगर आपके पास दोनों ओवन नहीं है, कन्वेक्शन भी नहीं है टोस्टर ओवन भी नहीं है, तो उसकी जगह पे आप चूल्हे के ऊपर भी लो हीट के ऊपर कर सकते हैं, तवे के ऊपर ढक्कन दे के। चलो दोस्तों इसे बेक करते हैं। थोड़ा सा
सा लास्ट में अगर आपको पसंद है तो इसके अंदर थोड़ा सा इटालियन हर्ब या ऑर्गेनो मौजूद है तो वो स्प्रिंकल कर दें। रेड चिली क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल की वो बहुत स्पाइसी है, तो फिर ये ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता मुझे। नहीं जी दोस्तों, मैंने 5 मिनट के लिए प्रीहीट ऑन किया हुआ, बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो मैंने इसकी आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपने किस तरह क्या करना है। तो अब हम इसके अंदर अपना पिज़्ज़ा रखेंगे, इसे खोलें तो सही बहुत जल्दी हो जाएगा, हार्डली 5 to 10 मिनट्स के अंदर। ठीक बैठे हैं दोस्तों, जैसे ही होते हैं 5 to 10 मिनट्स में हम देखते हैं इसे, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसे आपने ज़रूर बनाना है, बहुत सिंपल तरीके के साथ है। मैंने आपको OTG का भी इस्तेमाल बता दिया है, टोस्ट ओवन के अंदर आप पिज़्ज़ा कैसे बेक कर सकते हैं। लें जी दोस्तों, पिज़्ज़ा को बेक होते तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है पक चुका है अंदर से। ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है और इसका क्रस्ट भी ब्राउन हो चुका है। तब हम इसे निकालते हैं, बहुत बेहतरीन बन गया। और दोनों वाले हीटर ऑन है, देखिए नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, OTG का यानी टोस्टर ग्रिल ओवन का टोस्टर ओवन जो है, चलिए इसे निकालते हैं, इसे बंद कर देते हैं। ये हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके के साथ ये पक चुके हैं। चलिए दोस्तों इसका मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ, देखिए कितना प्यारा बना है। लें जी दोस्तों, मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं, बहुत ही आराम से किए हैं, ये बहुत अभी गर्म है, ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त बना है। दोस्तों आपने भी ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत एहतियात उठाएं, बहुत ही अभी गर्म है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छे तरीके से कुक हुआ है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइम चीटर जो हैक रेसिपी है वेजिटेबल चीज़ पिज़्ज़ा की आपको पसंद आई होगी। मैंने आपके लिए स्पेशली मुझे फरमाइश आई थी कमेंट्स वक्त के अंदर, बहुत कुछ लिखा गया था कि OTG टोस्टर ओवन ग्रिलर के अंदर हमें बनाना सिखाएं पिज़्ज़ा, तो मैंने आपको सिखा दिया है, आपने इसी तरह फॉलोअप करना है। बहुत आसानी के साथ चीट टाइम जो रेसिपी है ये, इससे आप बना सकते हैं, बाज़ार से मार्केट से लाएं पीटा ब्रेड, अगर नहीं ला सकते तो वीडियो सेक्शन में जाएं, वहाँ मैंने पीटा ब्रेड की भी रेसिपी आपके लिए साथ शेयर की हुई है, तो आप उसे वहाँ से फॉलोअप करें और देखें, वहाँ से पिज़्ज़ा डो बनाएं, घर के अंदर बना लें, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके के साथ का और बहुत ही सस्ता पिज़्ज़ा बन जाएगा, मार्केट में तो बहुत ही महंगा पिज़्ज़ा है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी, मेरी इस वीडियो रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मुझे इजाज़त दें कि जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, इसे ज़रूर बनाइएगा।